एक बार इंट्रोड्यूस करा दा मेरे नाल साडे आम आदमी पार्टी के साथी हर सुखिंदर सिंह बब्बी बादल जी जिहड़े साडे स्पोक्सपर्सन है मेरे नाल बैठे ने साडे सीनियर स्पोक्सपर्सन मित्तल साहब कई सालों तो तुसी देख रहे हो टीवी डिबेट पार्टी लई पार्टी का पक्ष रखते हैं मित्तल साहब बैठे ने और मेरे नाल साडे एक होर स्पोक्सपर्सन रविंदर जी जिहड़े वाइस प्रेजिडेंट भी आ राजपुरा म्यूनसिपल कमेटी के सो तुहाडा सारयां दा स्वागत है और तुहानू जी आयां नू मुद्दा ते पंजाब दे बेहतरी लई कौन किस तरह दीयां कोशिशां कर रहा ते जां कीतियां उहदे बारे तुहाडे नाल रूबरू होए आ। कल पंजाब दे माणयोग मुख्यमंत्री जी ने पंजाब दे इतिहास पहल करदे होए बतौर पंजाब दे मुख्यमंत्री एक अहम चर्चा वास्ते लुधियाने तमाम विरोधी पार्टियां दे प्रधान साहिबानां नूं जिहड़े कि पंजाब च कई सालां तक राज करदे रहे आ उन्हां नूं इनवाइट कीता सी कि आपां सारे पंजाब दे मुद्दियां नूं लैके चर्चा करिए और जिहड़े वड्डे इशूज ने चाहे वह पानियां दा है चाहे चंडीगढ़ दा है चाहे इकोनमी दा है चाहे लॉ एंड ऑर्डर दा है पंजाब दे अधिकारां ते कदों कदों क्यों डाके पए की हालात रहे ते की कारण रहे उत्ते चर्चा करिए। अनफॉर्चुनेटली पंजाब दे विरोधी पार्टियां दे प्रधान उत्थे पहुंचे नहीं ना विरोधी धिर दे नेता बाजवा साहब पहुंचे वो गल वक्री है कि कल प्रैस कॉन्फ्रेंस कल जिहड़ा जिहड़ा लुधियाने दे समागम तो बाद चर्चा तो बाद अड अड नुक्करां च जाके किते अकाली दल लोके प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहा सुखबीर बादल जी तो आए ही नहीं तो अपने जिहड़े जाखड़ साहब है वह किसी होर नुक्कर च जाके लाइव हो रहे सी ते लै दे के राजा वरेंग साहब जिहड़े वह भी शाम नूं मीडिया के सामने पेश तो हो पर चेहरे ते कोई रौनक नहीं सी। देखो गल ये आ पंजाब दे पानियां दा एड्डा अहम मुद्दा है और ये सारे लोग कई दिनों से चीकां मार रहे सी जी सरकार सुनती नहीं सरकार गल नहीं करती सरकार सलाह नहीं करती सरकार बुलाउंदी नहीं ते मुख्यमंत्री मान साहब ने कल बुलाया भी ते डाकूमेंट देखो बयान करने बयान देने एक अलग विशा हो सकता राजनीतिक पार्टियां दे लीडर बयानबाजी करदे आ पर कल पंजाब दे माणयोग मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके नाल डाकूमेंट एविडेंस जिहड़ा कि पंजाब दे सरकार दे खास जिहड़ा जिहनूं कह सकदे हो तुसी एविडेंस रिकॉर्ड है एविडेंस रिकॉर्ड नूं रख के जिस तरीके नाल पंजाब दे लोकां नूं इस अहम मुद्दे ते जो बरीकियां दसियां ते कल तो पहला कई गल्लां पता ही नहीं सी किसे नूं साडे वर्गे बंदियां नूं भी ये नहीं पता सी कि बालासर कनाल भी जाती है हरियाणे च साडे वर्गे बंदियां नूं और कई मैं वेख रहा कल कनेडा अमेरिका दे कई रेडियो चैनल भी डिस्कस कर रहे सी कई बुद्धिजीवी साडे सत्कारयोग भी चर्चा शाम नूं कर रहे सी कि जिहड़ा भाखड़ा मेन लाइन च जिहड़ा एक डेढ़ फुट सफाई कराई बादल साहब ने 98 च ते 45 करोड़ रुपया लिया इहदे बारे भी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं सी। सो अज कुछ तो मैं अज सवाल करने इन्हां नूं एक पासे ते असी पंजाब दे माणयोग मुख्यमंत्री जी दा आम आदमी पार्टी वल्लों धन्नवाद करदे आं कि उन्होंने ना सिर्फ एक गंभीर संजीदा विषय ते एक डाकूमेंटेशन वाली डाकूमेंटेड एविडेंस नाल सच्चाई दसी नाल नाल अपना पक्ष भी दसिया मुख्यमंत्री होने के बावजूद आम आदमी पार्टी का पिछले डेढ़ साल च की रोल है उहदे बारे भी दसिया। अच्छा मैं सुन रहा सी कल सुखबीर बादल जी तो आए नहीं उन्होंने चंदूमाजरा साहब नूं चंदूमाजरा साहब ये आ जिहड़े कहिंदे उड्डण दस्ते लाउणे 1 तरीक नूं उड्डण दस्ते वो कल उड्डण दस्ते भी नहीं गए हालांकि इस मैनू जो पता लग्या सानू चंदूमाजरा सुखबीर बादल जी ने चंदूमाजरा साहब ने अमित शाह नूं बिहाइंड द कर्टन बड़ी कोशिश की भी 1 तरीक नूं भेज दो टीम साडी भी रह जूगी सानू बहाना मिल जूगा अमित शाह इन्हां दीआं गल्लां च नहीं आए और उड्डण दस्ते इन्हां दे रह गए तो उड्डण दस्ते वाले चंदूमाजरा साहब अपने भूंदड़ साहब के बेचारे सत्कारयोग है बजुर्ग बंदे आ उन्हां नूं भी एक तकलीफ देती
सफाइया देने वास्ते तकलीफ दिती है ते नाल बैठे सी डॉक्टर चीमा। हुण मैं डॉक्टर चीमा साहब नूं हालांकि मैं सब तो इन्ना समझदार ते सियाणा ते असीं इज्जत भी करते हैं लेकिन कल जिस तरीके नाल डॉक्टर दलजीत चीमा जी ने 76 वाला वार्ड ते जिक्र करता 77 तो 80 तक बादल साहब की सरकार नूं पूरा गैब ही कर गए कि बादल साहब ने बतौर मुख्यमंत्री 1977 च जो मुख्यमंत्री बनते 78 च जो उन्होंने चिट्ठी लिख के 1.5 करोड़ रुपए की मंग भी की जमीन एक्वायर करने वास्ते नोटिफिकेशन जारी किया उसका जिक्र नहीं किया तो सफाई की दे रहे कल एक निजी चैनल में भी दलजीत चीमा जी बयान अपना इंटरव्यू दे रहे थे और बड़ा इंटरस्टिंग गल है कहिंदे जी बादल साहब ने 78-77 तो लैके 80 तक इन्नी लड़ाई लड़ी मुरार जी दसाई तक गए 78 की धारा तोड़न वास्ते सुप्रीम कोर्ट गए तो जो पत्रकार ने पूछ लिया जी जिहड़ा जिहड़ा लैंड एक्वायर करने लई तुसीं नोटिफिकेशन जारी किया सी उहदे बारे नहीं जी कहिंदे उह ते अफसरां ने थर्डे लैवल ते अपने लैवल ते करता सी यानी कि मुरार जी दसाई तक तुसीं लड़ाई लड़ रहे हो तो तुहाडी सरकार नोटिफिकेशन जारी कर रही अफसरां दे लैवल ते कि जमीन एक्वायर कर लो और इमरजेंसी क्लॉज लाया बादल साहब की सरकार ने 17 क्लॉज 17 लाया कि जल्दी जल्दी जमीन एक्वायर की जाए दलजीत चीमा खा ही गए चुप ही रहे। मैनू बड़ा मतलब अफसोस होया मैं तो इन्हों सब तो सियाना अकाली दल का बंदा समझना। अच्छा अकाली दल च एक होर बड़ा रवाज है अकाली दल बादल की गल कर रहा मैं ये प्रोफेसर बने आ ना कोई UGC क्लीयर ना PhD एक प्रोफेसर और माझे दे भी बैठे सी उत्थे वह भी प्रोफेसर लाते कहिंदे जी असी कुर्बान हो गए सी कुर्बान पता कितना हो हाथ है खड़े खड़े करके दरबार साहब तो बहर आ गए वह कुर्बान इतने सुखबीर जी बादल। अच्छा बड़ी गंभीर गल है ये कहिंदे आ स्लोगन देंदे भी असी पानी की एक बूंद नहीं जान देवांगे कुर्बानियां दे दांगे तो जो पंजाब के लोगों ने हजारों की तादाद कुर्बानियां दित्तियां ना 80 दहाके तो जेड़े बादल साहब ने अकाली दल बादल ने जमीन एक्वायर करके तो चैक ले लिया देवी लाल जी को देवी लाल जी ने तस्दीक किया हरियाणा की विधानसभा उन्होंने अपने बच्चे अमेरिका भेज आ कुर्बानियां देंदे आए और जो लोग मर जाते खून खराबे हो जाते पंजाब 2 दहाके खून मतलब वगदा रहा पंजाब च दरबार साहब ते हमले अटैक होए ते उस तो बाद कहिंदे असी ते जी और रद्द करती है उन्हां दी एक्विजिशन आ इन्हां दी कुर्बानियां सेम उही पैटर्न है बादल परिवार का कि पहला तो हरसिमरत कौर बादल जी ने बतौर कैबिनेट मंत्री फटाफट साइन करते कि काले बिल बनाए जाण किसानां नूं समझाउणा साडी ड्यूटी जदों 700 तो वध किसान कुर्बान हो गए ते सुखबीर बादल बाद बहर आए कहते असी कुर्बानी देने नूं तैयार है आ इन्हां दा असली चेहरा है। फिर दलजीत चीमा और अकाली दल के जिन्हें भी साढ़े सत्कारयोग चीम प्रोफेसर साहब प्रोफेसर तो दो सी उत्थे वैसे अच्छा डॉक्टर प्रोफेसर सानू असी यूनिवर्सिटियां पढ़े हाँ पर असी नहीं डॉक्टर प्रोफेसर लाते भाई वो UGC आ PhD आ फिर लगता एवें लग जाता MBBS है डॉक्टर लाने ली। चलो फिर कहिंदे जी 98 तुहाडी सरकार आई सी भाखड़ा मेन लाइन दी क्योंकि उहदे च रेत भर गई सी पानी पूरा हरियाणे नूं जा नहीं रहा सी असी 45 करोड़ रुपया हरियाणे तो लिया ते नहर की सफाई करवा के दित्ती आ असली चेहरा है इहनां दा 45 करोड़ रुपया भी भाखड़ा मेन लाइन नूं साफ करन लई क्यों कि हरियाणे नूं पानी नहीं पूरा जा रहा ते तोमत मान साहब ते पता की ला रहे आ राइपेरियन प्रिंसीपल ते स्टैंड नहीं लिया मान साहब ने सुप्रीम कोर्ट च हलफनामा देता उरते भी आऊंगा सुप्रीम बिक्रम मजीठिया नूं भी सवाल करना अज कल का कुछ नहीं रहा। अच्छा हालात वेखो कल गालो गाली होया पे एक नुकरे वह भी लुकया ही कितने। अच्छा इन्हां नूं यह सवाल है कि भगवंत मान ते राइपेरियन प्रिंसीपल दे वास्ते लड़ाई लड़े भगवंत मान जी लड़न पंजाब दे पानियां ते जिहड़ा ऑलरेडी डाका पै गया ये तो सारिआं नूं पता ना तो भाखड़ा बननी आ ते ना पानी जाना है पर साडा सवाल है
कि जेड़ा हुण तक राजस्थान नूं ते हरियाणे नूं पानी जा रहा जेड़ा पंजाब तो वध 8 point something MAF राजस्थान नूं ते हरियाणे नूं जा रहा है रावी चो जा रहा 3.5 MAF 50 MAF ते सतलुज दा जा रहा 4.33 MAF हुण मेरा अकाली दल बादल नूं और कांग्रेस नूं कांग्रेस ते भी होना मैं अजे थोड़ी जी अज लंबी चलनी अपनी गल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ उस पंजाब यूनिवर्सिटी सैमीनार करा रहे हैं तो मेरा विद्वाना नू भी सत्कार योग विद्वाना नू ए रिक्वेस्ट बेनती आ सवाल करन दी साडी औकात नहीं गी कि पहला इन्हां तो माफी मंगाओ जिहड़ा हरियाणा और राजस्थान नू पानी जा रहा है उहदे लई माफी मंगण एक बी भाखड़ा मेन लाइन नू सफाई कराउण लई बादल परिवार माफी मंगे दो 45 crore रुपया लिया 3 ते जमीन एक्वायर करके फटाफट एमरजेंसी क्लॉज लाया बादल साहब की सरकार ने 78 च 4 क्या ये माफ़ी मंगणगे मंगण माफ़ी ते दूजे वो राजा वड़िंग साहब राजा वड़िंग जी भी शाम नूं पेश होए डरदे डरदे जे वो कहिंदे जी वो तो सानू पता है सारा कुछ होया ते पता आ ते फिर इस गल का जवाब दो कांग्रेस इस गल का जवाब दे जेड़ा 1982 च वाइट पेपर लिया कांग्रेस सरकार ने उस वाइट पेपर च तरीफा कीतिया कि SYL दे फायदे की है क्या कांग्रेस उहदे लई माफी नहीं मंगूगी क्या जेड़े साडे सारे विद्वान सत्कारयोग फिक्रमंद है पानी लई इस गल ते हुण सैमीनार करोण कि जिहड़ा वाइट पेपर कांग्रेस ने लिया उहदे लई माफ़ी मंगण माफ़ी ते माफ़ी यह भी मंगण जिन्हां ने एक्वायर की है। तीसरी गल आखे जी सुप्रीम कोर्ट च भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब दे पानियां लई समझौता कर लिया हुण मेरा बिक्रम मजीठिया नूं सवाल है कि हुण साबित करके दिखा ਕਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਟੁੱਲ ਨਾ ਲਾਓ ਬਿਆਨ 100 liter ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਚਿੱਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ते चांदी दी कई नाल टक लाउण ते हुण पता की कहिंदे आखे जी आपां नूं कट्ठे हो जाणा चाहीदा कट्ठे हो जाणा चाहीदा पंजाब दे लोको ये सत्ता तो बाहर है सत्ता तो बाहर जे सत्ता ते जिद्दण ये सत्ता च आ जांदे आ ये पंजाब दे मुद्दे ते छड्डो जो बेड़ा गर्क चाहे सिखां दे मुंडियां दे कतलेआम करन नूं DGP लाउणा होवे चाहे बंदी सिंघां दी रिहाई दे खिलाफ हलफनामा देना होवे ते चाहे जिन्ना मर्जी पानी बालासर तो लैके बादल चक राजस्थान नू जाना होवे इन्हां वास्ते कोई मायने नहीं रखता अजीब गल है हद होगी आखे जी राइपेरियन 1956 तो शुरू करते हैं साढ़े ते मोटे मोटे 4-5 सवाल है कि दसो कि तुसी किहदे दबाव च जमीन एक्वायर करवाई दसो तुहानू की फायदा होया देखो मुसले जो ये हरियाणे नूं पानी देना असीं जी कुरबानियां दे दांगे कुरबानियां इन्हां ने सवाह देनियां इह ते 98 दी सरकार च भी नहर साफ कर करके दे रहे कि हरियाणे नूं पानी घट ना जावे जे पत्रकार वीरो बड़ी संजीदा गल है तुसीं इन्हां नूं सवाल करो जे इन्हां सरकारां ने कांग्रेस अकाली दल भाजपा ने जे उसे टाइम जिहड़ा मुख्यमंत्री जी ने कहा यमुना चों पंजाब दा हक दो या हरियाणे की पानी की पूर्ति उत्थे कर लो जो उदन सवाल खड़ा किया हों तो अज जिहड़ा SYL ना रहना सी बांस ते ना बांसरी ये मुद्दा ही नहीं रहना सी लेकिन नहीं ये नहीं कर लेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि इन्हां दे अपने निजी हित है इन्होंने दोस्तियां पकाइया सबूत दिता मुख्यमंत्री जी ने
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਲਏ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ? ਲਿਆਉਣ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਛੱਡੋ ਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀ ਚਿੰਤਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਖੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਬਾਲਾਸਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਆਖੇ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਲਾਸਟ 'ਚ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲਾਈ ਕਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 87 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, 2002 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ। 2016 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2002 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਈ ਗੇਟਡ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਹੋ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ 2002 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿ 2002 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ? ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਚੈੱਕ ਲਏ, ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਟੱਕ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਹਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਦਿਖਾਓ ਕਾਗਜ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਦਿਖਾਓ ਕਾਗਜ਼ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਓ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, 5-star ਇਹ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਅਖੇ ਜੀ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਫਰੇਬੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ,
पंजाब दे मुख्यमंत्री ने बेबाकी नाल निडरता नाल कोई मुख्यमंत्री इतना मीडिया की मौजूदगी इतना गल्लां नहीं करता आके आ जांदे जवाब दे दिंदे जवाब है ही नहीं सी जवाब कित्थे सी इन्हां को जवाब होंदे क्योंकि इन्हां को इन्हां नूं पता सी कंप्रोमाइज़ ते साडे सारयां ने कीते आ और 98 तक करदे रहे 2002 च भी हारे आ ते लास्ट च खत्म करन तों पहलां मेरा सुनील जाखड़ जी नूं एक रिक्वेस्ट है 16 च कहिंदे सी कि प्रधानमंत्री चोणगे एक मिनट च मसला हल हो सकदा सुनील जाखड़ जी अज प्रधानमंत्री तुहाडे हरियाणा सरकार तुहाडी पंजाब दे बीजेपी प्रधान तुसीं हो क्योंकि 16 च कांग्रेस दे सी क्या जाखड़ साहब मोदी साहब दे दर ते धरना लाओगे पंजाब दे हक दवाओगे इहदा जवाब दो और सारे मीडिया दे दोस्तां नूं मैं कहना चाहूंगा इन्हां तों इस सवालां दे जवाब लै जाण असीं सारे सवालों के कल इकोनमी ते भी दित्ते फिर किसे दिन गल कर लांगे लंबी हो जाणी आ ट्रांसपोर्ट ते भी दित्ते आ क्योंकि मान साहब की सरकार जवाबदेही नाल काम कर रही ईमानदारी नाल काम कर रही है सो तुसी सारे आए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा कोई सवाल होवे तां देखो अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक चिट्ठी लिखी है ईडी नूं और उस च बड़ा स्पष्ट किया है कि 30 तरीक नूं शाम नूं ईडी समन जारी कर दी है अरविंद केजरीवाल मानयोग मुख्यमंत्री दिल्ली नूं और दोपहरे ही बीजेपी दे मनोज तिवारी बयान दे दिंदे कि अरविंद केजरीवाल जी नूं फड़ना है इन्हां दी अरैसट होने वाली है इहदा मतलब ईडी दा जिहड़ा समन सी बीजेपी दे लीडरां कोल पहले ही कित्थे पहुंच गया जां इह साजिश रची गई है दूजी गल क्या जिहड़ा समन जारी होया वह बतौर दिल्ली दे मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी दे नैशनल कन्वीनर दे बतौर या इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल जी नूं समन होया या यह दसण कि अरविंद केजरीवाल जी नूं एविडेंस बनाया अक्यूज्ड बनाया गवाह बनाया तो तमाम सवाल खड़े करके उन्होंने ईडी नूं अज लिखिया उहदा जवाब देण विद लीगलैलिटी दे हिसाब नाल जिहड़ा भी जदों भी ईडी बुलाओ सानूं कोई डर नहीं है सानूं पता है कि बीजेपी इस टाइम डरी हुई अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति।